नमस्कार दोस्तों, बहुत काफी समय के इंतजार के बाद आप लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और आज जो है हम सब मैथ्स के एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, जो भी आपको टेस्ट हुआ था उसके आधार पर जो है हम सब क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द लाइव होने का प्रयास करें जिससे क्लासेस स्टार्ट की जा सके। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सब लोगों के जो है कमेंट्स हम देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द लाइव होने का प्रयास करें जिससे क्लासेस स्टार्ट की जा सके। और जो आप लोगों का टेस्ट चल रहा था, टेस्ट पेपर हुआ है और उसका जो है एक्सरसाइज कराना है, तो चलिए बच्चों जल्द से जल्द आप लोग सभी लोग लाइव होने का प्रयास करिए। और कल से टाइमिंग में हो सकता है चेंजिंग रहे और आपकी जो लाइव क्लासेज है वो 3 बजे से स्टार्ट होने के चांसेज हैं। चूंकि सर्दियों का समय है, काफी देर हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग और सभी के कमेंट्स हम देख रहे हैं और सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि 2-3 दिन के बीच में गैप भी हो गए, इसलिए जो है आप लोग भी मेरे अंदर सुस्त हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन था आप सबका, यहां पर कंसंट्रेट करिएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि 27 × 4 − 13 × 6 / 25/5 और गुणे में 2। आपका यह क्वेश्चन दिया गया था और पूछा गया था इक्वल वाट कि इसका आंसर क्या होगा। और अब आप लोग जो है क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के आधार पे आपने बॉटमास का रूल भी पढ़ा है। बॉटमास ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन होता है, इस प्रकार से क्रिया होती है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले हम सब यहां पर क्या करेंगे, डिवीजन से बात करना शुरू करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 × 4 और 13 × 6 का, और जो 27 × 4 करेंगे बच्चों तो हमारा आपका क्या हो जाएगा, 27 × 4 का गुणा करेंगे 27 × 6 = 108 − 13 × 78, तो आपका यह ऊपर का हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले आप भाग कर देंगे, 25 में 5 का भाग देंगे 5 × 25 और दिन गुणे 2। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 108 में आप जो है क्या करेंगे 78 को घटा देंगे और आपका आ जाएगा 30 अकॉर्डिंग। और 30 में जो है आप क्या करते हैं 10 से भाग दे देते हैं, तो 10 × 30, तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर में कौन सा ऑप्शन से दिया हुआ था, ऑप्शन सी, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर था। क्लियर है, तो चलिए आप लोग की एक और शिकायत थी कि सर जी जल्दी आप इरेज कर देते हैं, तो चलिए आज हम लोग जो है जल्दी इरेज नहीं करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देकर होगा जरूर। चलिए फिर जो है सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, इसकी तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं सर। यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ था 8.7 − 7.6 − 6.5 −
5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 और यहां तक आपका जो है क्या हो गया रेखा कोष्ठक हो गया और यहां पर छोटा कोष्ठक के बाद मझला कोष्ठक के बाद बड़ा कोष्ठक इस प्रकार से आपको जो है यहां पर दिया गया है ठीक है। तो चलिए यहां पर आप लोगों ने देखा होगा तो चलिए थोड़ा सा जो है अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन कर रहा है तो थोड़ा सा जूमिंग कम कर देते हैं तो चलिए यहां पर देखते हैं सभी स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे अगर जहां पर आपको जो चीजें समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं तो रेखा कोष्ठक आप देख रहे हैं केवल यहां तक है बच्चों माइनस चिन्ह के ऊपर रेखा कोष्ठक नहीं है इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि 4.3 जो है ये पॉजिटिव होगा और इसमें से हम क्या करेंगे 2 को घटा देंगे और जैसे ही आप 4.3 में से 2 को घटा देते तो आपका आ जाता 2.3 कितना आ जाएगा 2.3 आ जाता। तो हम एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहे हैं 8.7 ठीक है माइनस बड़े कोष्ठक में 7.6 माइनस मझला कोष्ठक 6.5 ठीक है ये डेसिमल है ध्यान दीजिएगा माइनस 5.4 और आप यहां देख रहे हैं कि 4.3 में से 2 को घटा देते तो हमारा कितना आ जाता 2.3 कितना आ जाता 2.3। इस प्रकार से आपका रेखा कोष्ठक टूट गया और अब जाकर के हमें कौन सा कोष्ठक तोड़ना है छोटा कोष्ठक तोड़ना है क्योंकि जो वर्ड मास्टर रूल में है जो ब्रैकेट की बात करते हैं तो ब्रैकेट आपके चार प्रकार के होते हैं एक होता है रेखा कोष्ठक एक होता है छोटा कोष्ठक और तीसरा होता है मझला कोष्ठक और चौथा कौन सा होगा बड़ा कोष्ठक होगा। यहां पर आपका रेखा कोष्ठक टूट चुका है अब आप आती है क्या करेंगे छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे 5.4 में से 2.3 को घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 2.1 बचेगा कितना बचेगा बच्चों 2.1 बच जाएगा। तो यहां पर अगर आप यहां पर देख रहे हैं सॉरी यहां पर हमने क्या देखा 5.4 में से अगर 2.3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा 3.1 आ जाएगा। तो देन हम देखेंगे क्या 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस अब आपका यहां पर क्या बचा हुआ था 3.5 और ब्रैकेट के बाहर माइनस के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो ये पॉजिटिव होता क्योंकि 5.4 आपका बड़ा है ये पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है 5.4 में आपने 2.3 को घटाया था और आपका उत्तर आया था 3.1 और 3.1 का माइनस से गुणा हो गया तो माइनस 3.1 हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि आपका जो है छोटा कोष्ठक भी टूट गया। अब बात बारी आएगी मझले कोष्ठक की अब हम सब क्या करेंगे यह 6.5 पॉजिटिव है और जो 3.1 है बच्चों वह नेगेटिव है 6.5 में से 3.1 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3.4 आ जाएगा। तो यहां पर आप फिर पाएंगे कि यहां पर यह पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 8.7 माइनस 7.6 माइनस 3.4 क्या हो जाएगा 3.4। तो यहां पर आपका मझला कोष्ठक भी समाप्त हो गया। तो अब आप क्या करेंगे 7.6 में से 3.4 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4.2 तो हमारा क्या हो जाएगा 8.7 माइनस 4.2। तो अब हम सब क्या पाएंगे कि 8.7 में से अगर हम 4.2 को घटाने निकलते हैं तो आप देखेंगे कि 7 में से 2 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और 8 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 4.5। तो हमारा जो ऑप्शन था वह कौन सा ऑप्शन सही था क्वेश्चन पेपर का वह ऑप्शन नंबर सी सही था। कौन सा ऑप्शन सही था बच्चों ऑप्शन सी सही था तो आप लोग नोट कर लीजिए फिर आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये हाँ
वैसे क्या रखा होगा अंबर से तो चलिए आप लोग जो है चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा आपका सिंपलीफिकेशन का है, सरलीकरण का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धीरे से अपनी रेजिस्टर के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसके विषय में हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वन माइनस बी ब्रैकेट में 5 माइनस पहले कोष्ठक में 2 प्लस माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2 मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक बराबर है। आपका क्वेश्चन में पूछा गया था यह किसके बराबर है बच्चों, तो यहां पर देखते हैं यह किसके बराबर है यह जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे। आप यहां पे देखिएगा यह माइनस है और यह भी माइनस में है, तो -5 -7 -2 जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और -7 में प्लस 6 को घटा देंगे तो -1 आएगा। और यहां पर ब्रैकेट बाहर का प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर 1 -5 माइनस ठीक है मतलब कोष्ठक 2 धन ठीक है छोटा कोष्ठक। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 5 और 2 माइनस माइनस के साथ जुड़ता है और प्लस प्लस के साथ जुड़ता है, ये आप लोगों को कई बार बताया गया था। तो यहां पर देखेंगे कि -5 और -2 जुड़ गया तो कितना हो गया -7 हो गया, और -7 में से प्लस 6 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 का 2 से गुणा हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहां पर अगर -2 हो गया तो -2 में प्लस से गुणा कर देंगे तो केवल प्लस गुणे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा उत्तर माइनस में आएगा। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि एक और स्टेप को बढ़ा दिया जाए, अगले स्टेप में देख सकते हैं कि 1 माइनस 5 माइनस 2 अब प्लस इनटू माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहां पर देखेंगे यहां पर छोटा कोष्ठक टूट गया। अब अगले कोष्ठक की बात आती है, 2 में से 2 घट गया, प्लस में से माइनस को हमने क्या किया घटा दिया जी 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 अभी लाइव क्लास है नहीं बात बात करते थे अभी क्लास में। तो चलिए यहां पर देखते हैं प्रयास करते हैं सर। तो यहां पर आप क्या पाएंगे कि 2 में से प्लस 2 में से माइनस 2 को घटा दिया जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 में 0 को घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो आपका क्या होगा 1 माइनस 5, अब यह 1 जो है पॉजिटिव है और माइनस 5 जो है नेगेटिव है, तो यहां पर से माइनस 5 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस 4 है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन दिया गया था वह कौन सा ऑप्शन करेक्ट था यह ध्यान देने वाली बात है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर जो है -4 दिया हुआ था ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है क्या था -4 था। क्लियर है, तो चलिए यहां पर देखते हैं एक बार दोबारा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग ठीक है। यहां पर -1 बड़े कोष्ठक के अंदर 5 माइनस मझला कोष्ठक 2 प्लस छोटा कोष्ठक -5 प्लस 6 -2 छोटा कोष्ठक 1 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 2 देन मझला कोष्ठक 1 देन जो है बी ब्रैकेट को आप हमने क्लोज कर दिया। तो यहां पर आप बच्चों क्या पाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया इसको जान लेते हैं ठीक है। तो यहां पर जो आप देखना चाहते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है
यहां पर थोड़ा सा देखिए -5 -2 को जोड़ लिया -7 हो गया, -7 में प्लस 6 को घटा दिया तो आपका कितना आ गया -1 -1 * 2 आपका कितना हो गया -2 हो गया। अब यहां पर देखिए +2 और -2 घट गया 0 हो गया। अब 0 5 में से 0 को घटाएंगे तब भी 5 आएगा, 1 -5 = कितना हो गया -4, तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया -4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा -4 प्राप्त होगा। क्लियर है? तो चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। क्लियर है? तो चलिए इरेज करते हैं, इरेज करके अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखिए आपका है 25 -5 की बैक कोष्ठक में 2+3 मजा कोष्ठक 2 -2 5 -3 छोटा कोष्ठक बंद +5 ठीक है मजा कोष्ठक बंद और इस प्रकार से दिया है -10 और बड़ा कोष्ठक बंद और भाग में दे दिया आपको 4। क्या दे दिया गया है? 4 को दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम सब देखते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां पर आप लोग भी करिएगा ठीक है। आज जो है हमें लगता है कि काफी स्टूडेंट्स जो है पहले ही परीक्षा काफी कम जुड़े हुए हैं, तो चलिए यहां पर देखते हैं अगले स्टेप में। अगर हम स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं तो यहां पर आप क्या पाएंगे, सबसे पहले हम 5 में से 3 को घटा देंगे 2 आ जाएगा और 2 का गुणा 2 से हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा ठीक है। अब यहां पर देखिए अब 25 -5 बड़ा कोष्ठक 2 + 3 ठीक है। अब यहां 2 माइनस अब 5 में 3 घटा देंगे 2 आ गया 2 × 2 = 4 4 और प्लस में 5 और मजा कोष्ठक बंद -10 बड़ा कोष्ठक बंद और भाग्य में कितना आ गया 4 आ गया। अब हम सब क्या करेंगे बच्चों, छोटे कोष्ठक के बाद किसको तोड़ते हैं और छोटे कोष्ठक के बाद हम सब जो है मजे कोष्ठक की ओर चलेंगे। अब हम सब यहां पर मजे कोष्ठक की ओर देखेंगे तो मजा कोष्ठक हमारा क्या कहता है इसको हम सब फोकस करेंगे। अब यहां पर देखिए 5 × 2 = 7 7 + 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 3 का गुणा 3 से कर देंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 9 × 2 = 11 11 में से 10 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां पर पूरा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग स्टेप कैसे किस एक ही स्टेप में आप लोगों को सॉल्व करना होता है कैसे आप सॉल्व करेंगे ठीक है। यहां पर बिल्कुल भी हमें समझते आपके जो है कमेंट में देख रहे हैं यहां पर देखना है +5 + 2 5 × 2 = 7 7 में से 4 को घटा दीजिए कितना आ जाएगा 3 3 का गुणा आप 3 से करेंगे 3 × 3 = 9 9 में 2 जोड़ देंगे 9 × 2 = 11 11 में से 10 को घटा देंगे 11 में 10 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 का गुणा 5 से करेंगे तो आपका कितना होगा -5 ही होगा। तो अब हम सब क्या पाते हैं यहां पर कंसंट्रेट करने वाली बात है कि 25 -5 ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा -5 अब और भागे में कितना है 4 है तो अब आप लोग क्या करेंगे सर्वप्रथम हम सब भाग की क्रिया करेंगे ना कि पहले माइनस करेंगे ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो हम सब क्या करेंगे हम सब लिखेंगे 25 -5/4 और यहां पर आप देखेंगे जिसका बटे कुछ नहीं उसका बटे 1 हो गया तो 25 × 100 -1/5 और बटे 4 × 4 तो यहां पर आपका क्या होगा 100 में 5 को घटा दिया तो कितना आ गया 95 95 / 5 = 4 तो हम 95 में 4 से भाग देंगे ठीक है। तो क्या होगा 4 × 8 ठीक अब देन 4 × 12 आ गया 3 तो हमारा कितना हो गया 23 / 3/4 कितना हो गया 23 / 3/4 या 23.75 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23.75। इसका भी हमारा ऑप्शन कौन सा सही था ऑप्शन जो है हमारे क्वेश्चन नंबर ये जो कि 4 है इसका ऑप्शन सी दिया हुआ था तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी।
क्लियर है। तो कल बच्चों आप लोगों को हमने पहले से ही बता दिया है, अवगत कर दिया है कि कल से आपकी लाइव क्लासेस 3 बजे से रहेगी। जो स्टूडेंट इस समय लाइव हो पाएंगे ठीक है, नहीं लाइव हो पाएंगे तो शाम तक जो है आप लोग जो है लाइव हो करके या जो आपके YouTube चैनल पर पड़ा रहेगा वीडियो उसको आप देख सकते हैं ठीक है। क्योंकि सर्दियों का समय है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यह भी सिंपलीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, सरलीकरण की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 भी रेखा कोष्ठक से संबंधित है, कोष्ठक से ब्रैकेट से इरेज करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और चूंकि आप लोगों का कहना था कि सब्जी काफी स्लो चलिए, इसलिए हम स्लो चल रहे हैं और अगर हम स्लो चलेंगे बच्चों तो बहुत कम ही क्वेश्चन हो पाएंगे। तो चलिए फिर आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है 18 माइनस बड़े कोष्ठक में 5 माइनस 6 प्लस 2 छोटे कोष्ठक में 7 माइनस 8 माइनस 5 ठीक है। छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक भी बंद और आपसे पूछा गया है कि सरलीकृत कीजिए। अब यहां पर आप लोग एक ही स्टेप में देखिए, यहां पर माइनस जो चिन्ह है वह 8 के ऊपर नहीं, रेखा कोष्ठक के अंदर नहीं आता है। जो आप देख रहे हैं यह जो है 8 जो है माइनस जो 1 के साथ माइनस चिन्ह लगा हुआ है वह कहां पर नहीं है, आप लोग बताइए कहां पर नहीं दिया गया है। तो आपका जो है जो रेखा कोष्ठक है रेखा कोष्ठक से बाहर है माइनस चिन्ह। तो अब आप क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 यह माइनस में हो जाएगा क्योंकि रेखा कोष्ठक हट चुका है। तो आपका कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, 18 माइनस 5 माइनस मझला कोष्ठक 6 प्लस 2 और छोटा कोष्ठक 7 माइनस 3 छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। अब 7 में से 3 को घटा देंगे आ जाएगा 4, 4 का घटा 2 से कर देंगे 4 गुणी 8, इस प्रकार से हमारा क्या होगा 8 माइनस 5 माइनस अब यहां पर 7 में से 3 घटा दिया 4, 4 गुणी 8 और 6 प्लस 8 मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक 8 6 14 तो क्या होगा 18 माइनस ठीक है 5 माइनस 14 दिन हमारा क्या होगा 14 में से 5 को घटा देंगे या पॉजिटिव है और या नेगेटिव है, 14 में से 5 जाएगा माइनस 9 तो हमारा क्या होगा 18 माइनस 9 और जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाएंगे बड़े कोष्ठक को और ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह है बच्चों तो माइनस का माइनस पूरा हो जाएगा, इस प्रकार से अब क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 18 प्लस 9 27 तो हमारा जो आंसर है वह कितना प्राप्त हो रहा है 27 आ रहा है। तो यह कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही था जो आपको दिया गया था ऑप्शन बी ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही था ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ठीक है, काफी क्वेश्चन जो है सिंपलीफिकेशन के थे बच्चों याद ध्यान दीजिएगा। ठीक है चलिए अच्छी बात है तो चलिए एज करते हैं, एज करके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यहां पर आपको कंसंट्रेट करिएगा, 1/ डिवीजन मझले कोष्ठक में आपका दिया गया है 1 प्लस 1 डिवीजन ठीक है छोटे कोष्ठक में, या तो छोटा कोष्ठक दो बार दिया गया है या आप इसको जो है बड़ा कोष्ठक भी बना सकते हैं, इसको आप बड़ा कोष्ठक बना लीजिए ठीक है, इसको हम मझला कोष्ठक बना रहे हैं 1 प्लस 1 / 1 प्लस 1 डिवीजन 2 और इस प्रकार से छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद और इस प्रकार से आपका बड़ा कोष्ठक।
करके क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर सबसे पहले हम भाग देंगे, इसको हम सब लिख सकते हैं 1/2 लिखेंगे, 1/2 में 1 को जोड़ेंगे बच्चों, 1 + 1/2 तो आपका यह बन जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 2 × 2 और 1 × 1, ठीक है 2 × 2 और प्लस 1 × 1 और बटे 2 × 2 तो आपका उत्तर कितना हो गया 3/2। यहां पर आपका अगर 3/2 आ जाएगा तो यहां पर भाग का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या होगा, भाग में कितना दिया था 3/2 दिया था, ठीक है। और भाग को अगर हम चाहें तो गुणे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाग को गुणे के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम सब क्या करते हैं, भाग की जगह गुणा लिख सकते हैं और जो अंश का हर है हर का अंश में परिवर्तित कर देते हैं दूसरे पद को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां पर 3/2 है यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 1/1 डिवीजन, ठीक है, मध्य कोष्ठक में 1 × 1/2 हो गया, इसका मतलब 2/3 हो गया। तो अगर ये मान आ गया आपका 1 + 2/3 तो अब आप क्या करेंगे, 3 × 1 = 3, ठीक, और 2 × 2 = 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, अर्थात 5/3 आ गया इसकी जगह पर। अब हम सब क्या पाएंगे फिर अगले स्टेप में, 1/1 + 1, अब यहाँ पर आपका आया था 5/3, भागे कितना आया था 5/3 आया था बच्चों। अब भाग की जगह हम चाहेंगे गुणा लिख देंगे कि वो दूसरे वाला जो पद है अंश का हर हर का अंश में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 3/5 बन जाएगा। तो हम सब क्या करेंगे, 1/1 + 1/3/5, अब 1 × 3/5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सब का पुनः इसको हल करेंगे, तो 5 × 5 और 1 × 3 और 5 × 5 तो हमारा कितना हो गया 8/5, कितना आ गया 8/5। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए 1/8/5, अब इससे पिछला वाला 1 कर दें, अब भाग की जगह हम क्या लिख दें, गुणा, गुणा का जो है अंश दूसरा पद जो है अंश का हर हर का अंश बदल जाएगा, तो 5 × 5 = 8 × 8 तो हमारा कितना आ गया 5/8, तो फिर हमारा आंसर कितना हो गया 5/8। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया था बच्चों वह कौन सा सही था यह ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही था जो आपको दिया गया था 5/8, ठीक है। अब चूंकि आप लोग हैं, चूंकि पूरा चैप्टर को हम पढ़ा नहीं पाएंगे इसमें, चूंकि केवल हमें टेस्ट पेपर का जो है केवल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाना है कि कैसे जो है यह मान प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, सेवन को छोड़ करके जरा सा हम पहले 8 को देख लेते हैं, वहां पर जो है आपको बता देंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तभी जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपका रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, जीरो पॉइंट एट का होल स्क्वायर माइनस 0.17 का होल स्क्वायर अपॉन 0.08 का होल स्क्वायर माइनस 0.017 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है दिया गया था और यहां पर इस क्वेश्चन को हमें देखना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, मैं तो पुनः बताएंगे प्लीज, पहले यहां पर कंसंट्रेट करने का प्रयास करिए। तो यहां पर आपका जो होगा इस यह जो है सरल समीकरण का सूत्र हो गया a² - b² / a² - b², तो देन आपका क्या हो जाएगा a + b (a - b) के फॉर्म में चलेगा। यहां पर a का मान यह है, b का मान यह है, यहां पर अंक जो है अलग अलग दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्या होगा, पहला बन जाएगा 0.8 + 0.017 और दूसरे में होगा 0.8 - 0.17, ठीक है, और दूसरे बटे में यहां पर होगा 0.08
प्लस 0.017 और आपका होगा 0.08 माइनस 0.017 0.017। तो आप जो है इस प्रकार से आगे देख सकते हैं कि यहां पर आपका आ जाता है बच्चों, अगर हम सब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर आपका आएगा 0.97 मल्टीप्लाई बाय, इसको घटा देंगे तो 0.63 अपॉन, यहां पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या होगा 0.097 मल्टीप्लाई 0.063। तो यहां पर आप देखेंगे इसका दशमलव हटाने के लिए आप क्या देख रहे हैं, यहां पर 1 2 3 4 चार अंक दशमलव है, यहां 1 2 3 4 5 और 6 अंक दशमलव है। तो यहां पर देखेंगे दो अंक का दशमलव तो दो अंक के दशमलव से हट जाएगा, यहां पर दशमलव रह जाएगा, और यहां पर अगर आप देखते हैं इस दो अंक का दशमलव यहां दो अंक के दशमलव से हटेगा यहां पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या कि इस एक अंक के दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर गुणा करेंगे तो आप क्या पाएंगे, इसका दशमलव हटाने के लिए गुणे 10 और इसका दशमलव हटाने के लिए गुणे 10। तो आप यहां पर दशमलव हट जाएगा बच्चों, 97 से विभाजित हो जाएगा और 63 से विभाजित हो जाएगा और भागफल 1 आएगा, 10 दशमलव 100 1/100 बराबर कितना आ जाएगा 100 के, कितने के 100 के, तो हमारा आंसर कितना आ गया 100 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 100 प्राप्त होगा। तो चलिए यहां पर जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही था, ऑप्शन नंबर जो है डी सही था, कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है जो दिया गया था 100। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, आज जो है सभी क्वेश्चंस बच्चों हो नहीं पाएगा और कल जो है हमने बता दिया है कि आप लोगों को 3 बजे से क्लासेस हम लेंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है, दोबारा समझना चाहे तो आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर हमने 0.a² - b² का सूत्र हो गया, एक क्वेश्चन ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन बी माइनस बी, और जैसे ही हमने 0.8 और 0.17 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाता 0.97 आता, और यहां पर जब इसको जोड़ते तो 0.63 आता, इनको जोड़ते तो 0.097 और इसको घटाते तो 0.063, और यहां दशमलव को हटाने के लिए नीचे का दशमलव हटाने के लिए बच्चों गुणा ऊपर किया जाता है और ऊपर का हटाने के लिए क्या करते हैं आप शॉर्टकट में जो है शॉर्टकट में क्या करेंगे, बिल्कुल अब तो आई होप दैट कमेंट के माध्यम से बताइए तो साफ क्लियर हो रहा होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है एक बार हम सब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और शेष क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एक बार जो है आप लोग समय के माध्यम से पुनः बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू होने के कारण ऐसा हो रहा था, लेकिन आई होप दैट अब आप लोगों तक जो है ठीक है। चलिए ठीक है प्रयास जी, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि यदि 50/* इक्वल */(1/2) हो तो अज्ञात पद के स्थान पर कौन सा पद भरा जाएगा, यहां पर यह 50 है ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम सब इसको x मान लें तो हमारा क्या होगा 50/x बराबर x/(12×24×24=25 और 25/2 और 2 चला जाएगा ऊपर तो आपका क्या हो जाएगा 50/x बराबर ठीक है 2x/25। तो अब आप क्या करेंगे, इसका इसका पूरा कर देंगे, इसका इसका पूरा करेंगे तो 25 × 125 ठीक है, तो यहां पर हो गया 1250
बराबर 3x स्क्वायर के सॉरी 2x स्क्वायर दो का गुणा यहां कितने दिए हैं 2x स्क्वायर के देते हैं हमारा 2x स्क्वायर इक्वल अगर 1250 होता है बच्चों तो x स्क्वायर इक्वल क्या होगा 1250 बटे 2 और आपका आ जाएगा 625 कितना आएगा 2 से 12 तो 4 2 5 10 625 x स्क्वायर बराबर 625 तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 25 तो x हम प्लस चिन्ह को ले लेंगे x बराबर कितना आ गया 25 आ गया तो जहां पर x है या रिक्त पद है वहां पर क्या करेंगे वहां पर 25 रखा जाएगा कितना रखा जाएगा 25 क्लियर है तो चलिए 25 है तो जो आपका यहां पर जो ऑप्शन था ऑप्शन डी करेक्ट था कौन सा ऑप्शन करेक्ट था ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं इरेज करते हैं और हमें लगता है कि 8 बजने को हैं और इतने क्वेश्चंस आई होप दैट करा पाएंगे यदि आप लोगों की इच्छा हो तो अगले क्वेश्चन आगे की ओर देखें बट जो है हमें लगता है कि काफी समय हो चला है तो आगे जो है कल क्वेश्चंस देखते हैं यदि आप लोग रिपीट रहेंगे तो निश्चित तौर पर दो चार क्वेश्चन सभी कराए जा सकते हैं जैसा आप लोग कहें आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें मित्र आप लोगों का भी है चलिए ठीक है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन से सीक्वेंस को तोड़ करके थोड़ा सा जो है काफी देर से आप लोगों ने सिंपलीफिकेशन पढ़ा तो अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा चेंज करते हैं आप लोगों के मूड को ठीक है और आगे के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे इस क्वेश्चन को देखते हैं जैसा आपका दिया गया था कि 2000 का 5% का 5% इक्वल क्वेश्चन मार्क्स या से पूछा गया था कि 2000 का 5% का 5% बराबर बात तो अब आप जानते हैं प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं बटे 100 लिखते हैं इस प्रकार हम क्या करेंगे 2000 × 5/100 गुड़े 5/100 ठीक है तो आप देखेंगे 2 0 तो 0 से कैंसिल हो गया या 0 0 से कैंसिल हो गया 5 2 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा है केवल 5 तो आपका आंसर कितना आएगा 5 होगा कितना होगा 5 होगा और इस प्रकार से जो आपका ऑप्शंस था वो ऑप्शंस नंबर ए सही था कौन सा ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन नंबर ए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही था ऑप्शन ए तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप लोग फटाफट जो है नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को यह शिकायत न रह जाए कि सर जी आप बहुत जल्दी इरेज कर देते हैं क्योंकि काफी बच्चों को यह लगता है कि सर आप बहुत फास्ट इरेज करते हैं तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था रुपया 500 रुपया का 20% का 15% का 10% क्या होगा का 10% इक्वल क्वेश्चन मार्क्स क्या होगा यह आपको फाइंड आउट करना था तो हम लोग क्या करेंगे 500 गुणे 20/100 गुणे 15/100 गुणे 10/100 तो यहां पर आप देखेंगे 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया ठीक है ये 0 0 से या 0 0 से आप 5 × 10 20 हो गया और 2 × 20 और आपका 5 × 15 और 5 × 10 तो यहां पर कितना आ गया 1.5 कितना आ गया 1.5 तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला था ऑप्शन नंबर डी सही था कौन सा ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन नंबर डी बच्चों ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर था तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का हमारा 130 का क्वेश्चन नंबर प्रश्न इरेज करते हैं इरेज करके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आपका 130 का क्वेश्चन मार्क्स प्रतिशत बराबर 10 10
चार है तो क्वेश्चन मार्क्स का मान क्या होगा 130 गुणे यस यस क्वेश्चन मार्क्स के हमने यस लिख दिया और प्रेशर को हटाने के बाद आप क्या करते हैं बड़े 100 ये बराबर कितने के है 10.4 के यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया और अगर आप यहां पर देखते हैं बड़े 1 करके तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारा क्या होगा 10.4 गुणे 10 और बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा तो आप यहां पर देखेंगे ऊपर का दशमलव हटाने के लिए इसका यहां गुणे 10 कर देंगे तो x बराबर क्या होगा 104 गुणे 10 बटे 13 गुणे 10 13 गुणे 10 तो 10 से 10 विभाजित हो जाएगा और 13 * 104 तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 प्राप्त होगा तो इसका मींस है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही था ऑप्शन नंबर बी कौन सा ऑप्शन करेक्ट था ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा और अगला क्वेश्चन था आपका इरेज करते हैं इरेज करके अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दो घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है अगला क्वेश्चन था दो घंटे इरेज किया जाए इरेज करके अगले क्वेश्चन को देखते हैं दो घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है दो घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है ठीक है दो घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है एक दिन में कितना होता है 24 घंटे होता है बच्चों कितना होता है 24 आवर्स होते हैं और यह कितना है दो घंटे दिया है दो घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है अब यहां पर ध्यान दीजिए पहली बात है यह दो घंटा है और एक दिन मतलब 24 घंटे तो 24 घंटे का कितना परसेंट ठीक है घंटे घंटे विभाजित हो गया और प्रतिशत बदला है 100 तो दिन आपका क्या होगा कि 2/24 गुणे कितना हो गया 100 हो गया तो यहां पर आप क्या पाएंगे 2 बराबर में 24 और 4 की आए 12 और 4 का सब में 100 तो दिन आपका कितना आ गया 25/3 प्रतिशत कितना प्रतिशत है 25/3 प्रतिशत इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर जो है बी सही था कौन सा ऑप्शन सही था ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और यह कह रहा है कि 2 घंटे जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है तो 2 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत हो जाएगा ठीक है तो 2/24 और प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहां पर आप देखेंगे क्या कि 8 से ही 1/3 प्रतिशत हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ होता है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन मार्क्स का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर है 121 तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यस भी जो कि नोट कर सकते हैं क्या लिख सकते हैं यस लिख सकते हैं अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चंस को एक बार हमने ये थोड़ा सा लिख देते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या था दोबारा समझने का प्रयास करेंगे यस का 30% प्लस 64 का 5/8 का 5/8 बराबर है 121 के चलिए यहां पर देखते हैं यस गुणे 30/100 प्लस 8/64 8/40 40 बराबर है 121 के तो यहां 0 से 0 विभाजित हो गया अब इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या होगा 3x/10 बराबर 121-40 ठीक है और यहां पर हमारा 121/40 हटा दें 81 बचेगा तो 3x/10 बराबर 81 के अब बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई तो दिन x बराबर होगा 81 * 10/3
तीस पैसा में 81 और 27 बराबर 270 के इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा था ऑप्शन नंबर आपका ए सही था जो कि दिया हुआ था 270 कितना दिया गया था 270 क्लियर है तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस अगला क्वेश्चन था हमारा इरेज करते हैं इरेज करके अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन था बच्चों हमारा क्वेश्चन मार्क्स के 5/6 का 25% का 60% बराबर है 630 के बराबर है 630 के ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे x गुणे 5/6 गुणे 25/100 गुणे 60/100 बराबर 630 के तो यहां पर देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया 6 से 6 कैंसिल हो गया 25 से 100 हो गया तो 5 दूनी 10 हो गया ठीक है अब यहां पर क्या हो गया x गुणे 1/8 बराबर है 630 के तो अब बटे 1 करके सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये बराबर क्या होगा 630 गुणे 8 तो देन हमारा क्या होगा 0 8 3 24 ये 4 से लगा दो 8 के 48 48 और 2 कितना हो गया 50 इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो गया 5040 कौन सा आंसर सही है 5040 और अगला कौन सा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए सही था आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन नंबर ए जिस पेपर का जो है आंसर नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर था क्लियर है तो चलिए आई होप दैट आप लोगों को यहां का क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे और शेष बातें जो है कल होंगी तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट शुभ रात्रि